hey guys welcome back to the stock sensor channel in today's video we are going to discuss about one of the hot pick of the ipo stock so let's get straight to the topic so in today's video we are going to talk about ghcl textile why am i picking the stock we will just try to understand it first and moreover i'm making this video in my phone because my laptop is not working properly so please try to cooperate with it and let's discuss कि मैं जी एस टेक्सटाइल क्यों पिक कर रहा हूँ पहले साइकोलॉजिकली समझती है पहला बात यह कि टेक्सटाइल सेक्टर वॉट आई बिलीव इज सेटिंग वेरी नाइसली टू गिव अपसाइड मूव एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि मैल किस तरीके से रन किया एंड या मैंने ऑलरेडी बताया हमने बताया भी था कि यू कैन बाईट कृपा स्टॉप लॉस अराउंड दिस एंड दिस एंड सी फोर्टीन परसेंट अपसाइड दिया था एक दिन में ही एंड सी द वॉल्यूम ऑल्सो और ये भी टेक्सटाइल है एंड चलो हम जी टेक्सटाइल के बारे में बात करते तो हैं साइकोलॉजी पहले क्या समझ आया कि टेक्सटाइल सेक्टर सेट है मोर ओवर ये आईपीओ स्टॉक है एंड आईपीओ स्टॉक इज़ ऑल्सो सेटिंग वेरी नाइसली हमने सा पॉलीमर के बारे में बताया था सब सारा वीडियो आपको मिल जाएगा लिंक आई बटन पर जब क्लिक करोगे सो so, सो so, हमने बोला था यहाँ बाय करने के रैंस इट्स अगेन रनिंग हाँ ये भी आई पी ओ स्टॉक ही है बेसिकली इफ़ यू सी दी पी ओ स्टॉक राइट सो आई पी ओ स्टॉक्स आई पी एल स्टॉक इज सेटिंग वेरी नाइसली टू गिव एन अपसाइड मूव सो दैट्स वाई आई एम पिकिंग तो दो रीज़न हो गया साइकोलॉजिकली तीसरा रीज़न आ जाता है कि अगर हम लोग देखेंगे ओवरऑल मार्केट इज़ ऑलसो बोलिश ओके अगर हम लोग मार्केट को हटा भी देते हैं बिकॉज आई 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 ट्राई टू फोकस ऑन इंडिविजुल स्टॉक्स बट स्टिल फॉर यू ऑल मार्केट इज़ बुलिश ओके सो देर हाई प्राइवरिटी ये जी एच सी एल टेक्सटाइल भी निकल सकते हैं एंड इफ यू लुक इफ यू विल गो फॉर टेक्निकली देखो टेक्निकली बहुत सही चीज़ है जैसे कि प्राइस नीचे की तरफ फॉल हुआ था सी द वॉल्यूम इज़ वेरी लो प्राइस ऊपर गया सी द वॉल्यूम इज़ वेरी हाई ओके एंड प्राइस एंड वॉल्यूम आर रिलेटिंग वेरी नाइसली अब आता है बाय कहाँ करना है स्टॉप लॉस कहाँ रखना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं फर्स्ट सो लेट मी क्लियर ईच एंड एवरी थिंग यू कैन बाय एट करेंट मैकर प्राइस पुट योर स्टॉप लॉस बिलो दिस सो दिस कैंडल दैट इज रेड कैंडल अराउंड सेकेंड Somewhat 62, yeah, 62 will be fine around 8 to 10 percent stop loss, and you can target as per your risk to reward ratio. Yeah, this is it for the time being. If you have any doubt, you can ask me in the comment box, I will surely try to help you out. Thank you, guys.